नमस्कार भाइयों और बहनों, और मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं इस फार्म पर, इस खेत में जिसमें गेहूं की फसल लगाई गई है। और ये खेत जो है आहू नदी के किनारे पर है। देखिए कितनी सारी गेहूं की बालियां, जिसे कहते हैं, वो आ रही है। और बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की ये गेहूं मुझे लग रहा है। इसको भरपूर पानी भी मिला है और ये भरपूर फल देगी। तो जो मेहनत का फल है वो जरूर मिलेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये खेत जो है नदी के किनारे है, आहू नदी के किनारे। और ये नदी की आप कंडीशन इस टाइम पर देख सकते हैं, बहुत कम पानी इसमें बचा है। और यहाँ पर कुछ मछुआरे भी मिलेंगे जो मछली पकड़ रहे हैं। और ये बारिश की वजह से जो चेक डैम है वो क्षतिग्रस्त भी हुआ है। देखिए इसका दूसरा कोना, और इस कोने पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए ये चेक डैम का दूसरा हिस्सा। और यहाँ पर मुझे कई सारे कौवे नज़र आ रहे हैं जो कि पानी पी रहे हैं। ये सब के सब थर्स्टी क्रो हैं, एक साथ उड़ रहे हैं। कितना मनोहर दृश्य है, देखिए ज़रा, देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मेरे कैमरा के थ्रू। और कुछ बगुले भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दिखाता हूँ। एक बगुला ये रहा, ये सफ़ेद कलर का, जो कि मछली की तलाश में बैठा है पानी में ध्यान लगाकर। बड़ी मेहनत का काम है ये मछली पकड़ना भी। देखिए इस बगुले को, और कई सारे बगुले आपको वहाँ पर आगे भी नज़र आएंगे। ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये बगुले, ये जो वाइट कलर के वाइट स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सब के सब बगुले हैं। और कुछ कौवे भी यहाँ पर बैठे हैं। और ये पुराना चेक डैम है, देखिए आहू नदी दूर तक फैली है। ये एमपी से आ रही है और सुकेत से होते हुए, भीलवाड़ी से होते हुए, सुकेत से होते हुए ये आगे निकल रही है। और ये घूम करके संगम होते हुए ये गागरोन के किला के पास मिल रही है। ये आप आगे जो गांव देख रहे हैं, ये खोकंदा और ढाणी नाम का गांव है जो कि झलावाड़ जिले में आते हैं। और ये नदी पूरी गोल घूम के मुकंदरा पहाड़ी की साइट से होते हुए, देखिए दूर तक आपको मुकंदरा पहाड़ी भी नज़र आएगी। मैं आपके लिए जूम करता हूँ, ये झलावाड़ के गागरोन में पहुँच रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।